नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बारे में। आखिर ये म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड है क्या? म्यूचुअल फंड की बात करें दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिस पे आप पैसे लगा सकते हो और ये पैसे आप लमसम या फिर SIP में लगा सकते हो। लमसम का मतलब होता है कि आपका जब भी मन करे आप कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कंपनियां म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करवाती है। और SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप यहाँ पर मंथली एक लिमिट सेट कर सकते हो कि मेरे मंथ के इस डेट पर मेरे अकाउंट से इतने रुपए कटकर म्यूचुअल फंड में चला जाए, तो इसे बोलते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड। और सेम फीचर्स इंडेक्स फंड के भी होते हैं, यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम या फिर SIP। तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कंपनी के कुछ अंश खरीदे जाते हैं। अंश का मतलब दोस्तों, जैसे कि हम अगर शेयर्स की बात करें, अगर कुछ महंगे शेयर्स की बात करें तो उसमें एक शेयर का प्राइस 2000, 3000, 4000, 40000 तक होता है। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए 1000 रुपये में या फिर 500 रुपये में ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो एक भी शेयर खरीद पाए। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, कई सारे लोगों से कुछ कुछ अमाउंट लेकर, जैसे 1000, 500, 1000, 500 करके, सपोज़ करके 40000 रुपये उन्होंने इकट्ठा किए और एक कंपनी का एक शेयर ख़रीदा। अब जब कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी, जब उस पर कुछ प्रॉफिट्स मिलेगा, शेयर से मुनाफा कमाएगी, वो डायरेक्टली वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब वो मुनाफा कमाएगी, उस मुनाफा को वो कई हिस्सों में बांटेगी और उसका कुछ हिस्सा आपके पास आएगा। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें आप एक शेयर को डायरेक्ट नहीं खरीद के इनडायरेक्टली परचेस कर रहे हैं कई लोगों के साथ मिलकर। इसको ऑपरेट करने वाले फंड्स मैनेजर होते हैं और फंड मैनेजर का अपना एक कमीशन होता है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें दोस्तों, तो फंड मैनेजर का कमीशन आपका होता है 1% से 2% तक हो सकता है। ये म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर्स के चार्जेस होते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड क्या है, इंडेक्स फंड में कुछ स्पेसिफाइड कंपनियों पर फंड मैनेजर तय करके पैसा नहीं लगाते, जैसे कि आपने ABC शेयर को खरीदा, ऐसा नहीं है। निफ्टी फंड, इंडेक्स फंड क्या होता है, इसमें कई तरह के फंड होते हैं, जैसे निफ्टी 50 फंड। तो निफ्टी 50 में आपको पता है दोस्तों, निफ्टी में हमारे टॉप 50 कंपनियां आती है भारत की, जिस तो आप उनके निफ्टी में जो आप देखते हैं ना, निफ्टी आज इतने अंकों पर है, उन पर पैसा लगता है, इसे कहते हैं हम इंडेक्स फंड। और इसमें ज़्यादा फंड मैनेजर्स को भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी कंपनियाँ उन्हीं 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। अगर आप निफ्टी 50 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें कमीशन बहुत ही कम होता है। इसमें फंड मैनेजर के कमीशन की बात करें दोस्तों, तो ये लगभग 0.1% से लेकर के 0.2% तक हो सकता है। तो अब बात करें कि आप किस में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड। तो म्यूचुअल फंड में कमीशंस की वजह से, क्योंकि कमीशन आपको 1% बहुत बड़ा होके नहीं दिखेगा, बट ये कंपाउंडिंग होता है। और कंपाउंडिंग में अगर आप बात करें, 1% एक अच्छा खासा कमीशन बनता है एट द एंड। तो इसमें आपको थोड़ा सा लॉस है इन टर्म्स ऑफ कमीशन। और इंडेक्स फंड की बात करें तो इसका कमीशन बहुत ही कम है। और ये एक स्टडी में पाया भी गया है कि अगर आप बहुत सारे कंपनियों को ले लें, अगर 100 म्यूचुअल फंड से कंपनी को उठा लें और इंडेक्स फंड से अगर कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 3 या 4 ही म्यूचुअल फंड की कंपनियां होगी जिन्होंने इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म किया है। नहीं तो इंडेक्स फंड बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ किए, आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। और आपका आप इसका एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% मान सकते हैं। और ये 12% कंपाउंडिंग ये आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है, क्योंकि ये सारा कुछ कंपाउंडिंग पर चलता है। सपोज करिए कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो इस महीने का इंटरेस्ट में पर आना होता है इंटरेस्ट 12%, बट मैं महीने का हिसाब सीधा सीधा पकड़ता हूँ। तो इस महीने का इंटरेस्ट मिला के आपका हो गए 112 रुपये। अब जो अगली 12% होगी वो 112 का 12% होगी। इसे बोलते हैं दोस्तों कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ होती है और इन्हीं बेसिस पे म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड चलते हैं। अब बात करें दोस्तों, तो जोखिम तो हर जगह होता है, क्योंकि आपने भी सुना होगा टिफिन रेट एड्स में, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ इन्वेस्ट केयरफुली। तो आपका रिस्क तो हर जगह ही रहेगा, बट यहाँ पर डायरेक्ट शेयर मार्केट से कम रिस्क होता है और आपको ये शॉर्ट टर्म में लॉस भी देता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों, तो ये फ़ायदा ही देगा, क्योंकि
ये अगर क्योंकि यहाँ पर हर रेट में आपका परचेज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि हर समय शेयर मार्केट डाउन ही रहेगी, वो कभी अप भी जाती है। हर रेट के पर आपका परचेज होता रहता है, जिससे एक एवरेज हो जाता है और एट द एंड आपको फ़ायदा ही होता है। तो ये थी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड की डिटेल्ड वीडियो। तो अगर आप एग्जांपल की बात करते हैं, तो मैं इंडेक्स फंड का आप एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप यूटीआई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में तो आप एसबीआई का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो भी म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती है। तो जो भी आपको अच्छा लगे कंपैरिजन करके देख लीजिएगा किसका कितना रिटर्न है, उस हिसाब से इन्वेस्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ दोस्तों, कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।